गुड आफ्टरनून दोस्तों, सुपर ग्रैनी में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए सब्जियाँ, इसको वॉश करके साफ़ करके मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। ये मेरे ससुर जी और हस्बैंड दोनों ही एक साथ सब्जियाँ इतनी सारी लेके आ गए थे इसीलिए। और चलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ नहा धो के दिन के दोपहर में मेकअप। उसमें मैं सबसे पहले लगा रही हूँ क्रीम, जो है गार्नियर की क्रीम। उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा लैक्मे सनस्क्रीन। धूप बहुत हो रही है अभी, इसीलिए ज़्यादा निकाल लिया तो थोड़ा हाथ में लगा लूँगी। फिर इसके बाद और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप सब। इसके बाद लगा लेते हैं हम बिंदी। तो बिंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, और घावों में तो सभी बिंदी लगाते हैं। और लगा लेती हूँ मैं हल्का सा लिप लाइनर, थोड़ी सी लिपस्टिक, और भर लूँगी मैं अपना सिंदूर, और मैं हो जाऊँगी एकदम रेडी। आप बताइएगा कि आप कैसा मेकअप करते हैं जब घर में रहते हैं तो। और लो मैंने लगा लिया है अब सिंदूर। अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े उठाने यहाँ, और ये बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं आप। उठा लिए मैंने कपड़े, देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है छत से हमारी, बारिश भी हो रही है। ये है रूबी जो कि हमारी है पेट, और हमारे घर के बाहर चल रहा है काम, थोड़ा सा पाइपलाइन का काम चल रहा है। तो मेरा खाना हो गया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, कर लेते हैं थोड़ी साफ सफाई और थोड़े बर्तन। उसके बाद करेंगे हम थोड़ी सी बातें और थोड़े बहुत काम। और आप बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं कोरोना टाइम में घर में। घर पे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी घर पे ही रखिए, और ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। और मैं मिलती हूँ आपको अभी, और मेरा काम ख़त्म हो गया है, बर्तन मेरे धुल गए हैं, थोड़ी सफाई मैंने कर दी है किचन की। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आ गए हम फ्रिज में, रख दी मैंने सारी सब्जियाँ, सूख गई हैं अच्छे से, और बच चुके हैं अब चार। और करते हैं, देखते हैं अब बच्चा मेरा सो रहा है कि नहीं, छोटे वाला, उसको सुला दिया था मैंने, तो वो सो रहा है अभी। मैं मिलूँगी आपको कुछ देर में। तो मैं बना रही हूँ आज बर्फ़ा शिमला मिर्च। मैंने शिमला मिर्च अच्छे से साफ़ कर दिया है अंदर से, और करूँगी उसकी तैयारी। आलू मैंने उबाल लिए हैं और उसको अच्छे से मैश करके मैंने रख दिया है। मिर्च मैंने काट दी है, और उसके बाद लहसुन मैंने भी कट कर दिए हैं, और प्याज छोटे छोटे पीस में कट कर दिए हैं। शिमला मिर्च तो मैंने काट ही दिए थे। तो इसके बाद मिलूँगी मैं आपको शिमला मिर्च बनाने के बाद। और शिमला मिर्च बनके बहुत टेस्टी लगती है भरवा शिमला मिर्च। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, परिवार को खिलाइए। रोटी या पूरी किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने सब्जी बना ली है, दूध उबाल लिया है, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए हैं। अब मैं वॉश कर लिया है मैंने थोड़े बहुत बर्तन, अब मैं जाऊँगी अंदर अपने बेटे के पास। उसको थोड़ा सा रिवीजन करवाना है, मैंने पढ़ाई करवानी है, कल उसका ओरल टेस्ट है ऑनलाइन, तो उसकी तैयारी कराऊंगी मैं उसको। तो देखिए
आगे हूँ मैं अपने रूम में और वो देख रहा है कार्टून। कार्टून बच्चों के बहुत फेवरेट। चलो फिर अब करवा लेती हूँ मैं उसको थोड़ी सी पढ़ाई, और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, उनको थोड़ा समझाएं कि पढ़ाई करें, इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। उसको भी मैं ऐसे ही समझाती हूँ और उसको पढ़ाती हूँ मैं। और आजकल मानता तो है नहीं वो मेरा कहना, आजकल घर में रहने की वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर में और आगे बताऊँगी और मैं अब क्या कर रही हूँ, मिलती हूँ फिर मैं अब। तो आरू भी मेरा उठ चुका है और आज थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो मेरी सासू माँ बना रही हैं रोटियाँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे और अब मैं बच्चों को, तो अब बच्चों के साथ बैठती हूँ और अपने बड़े बेटे से थोड़ी सी बातें करती हूँ, उसके बाद मिलेंगे हम आपसे। तो थोड़ा सा मेरा बेटा आज थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रहा है आज मुझे, वैसे करता नहीं है मुझे ज़्यादा तंग। और अब आरव है मेरे बड़े बेटे का नाम, वो करता है मुझसे थोड़ी सी गपशप कर रहा है। उसके बाद हम खाएंगे हम खाना, और खाने में आपको पता ही है रोटी बनी है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनी है, और आलू की मैंने तरी बना ली थी जो आलू बचे हुए थे मेरे शिमला मिर्च के। और इसको एंजॉय कर रही हूँ मैं, आप भी खाना खा लीजिए अपना और अच्छे से खाइए खाना। तो हो चुका है मेरा खाना और अब मैं थोड़ी सी कर रही हूँ किचन की सफाई और धो रही हूँ थोड़े से बर्तन। और आप सब भी अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ ज़्यादा धोएं, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बड़े बुजुर्ग का भी ख्याल रखें। और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अम्मा तो हमेशा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती ही है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोइए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।